जबरदस्त एडिंग होंगे भाई, जबरदस्त। मस्ती कर रहा है, मस्ती। टॉयलेट साइटिंग हो गई भाई। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। सुबह के बज रहे हैं भाई 5:15 और मेरी जर्नी शुरू हो रही है भाई आज सीधे एंट्री गेट से। भाई मैं पहुंच गया एंट्री गेट पे, गेस्ट हमारे पहुंच गए हैं और जोन है आज हमारा ढेला। जिनकी कल इवनिंग सफारी थी उन्हीं की सफारी है भाई। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। राम राम, राम राम भैया, राम राम भाई। और आज उम्मीद से है, आज उम्मीद है कुछ कॉलिंग वॉलिंग होगी। कॉलिंग तो नहीं हुई हमारी, कॉलिंग तो अगर यहीं से सुनाई देती ना हमें, अगर इधर उधर कहीं कॉलिंग हो रही होती। अभी क्या ज़्यादा दूर की नहीं सुनाई देगी हमें, देखते हैं क्या माहौल बनता है। पहली गाड़ी रखी है, कल भी मारा राउंड कैरी की तरफ को, जहाँ तक तो कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं। वो गाड़ी है कैरी में भी, अभी तो 4-5 तो जिप्सियाँ गई हैं। 3:30 बजे यार, अभी नजरें जो है सामने ही रखनी है। आज ढेला जोन है हमारा, सबसे पहले ग्रासलैंड का राउंड मारते हैं, फिर उसका डेंस में जाएंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा मैं भी शांत होकर चलूँगा। बेसिक जानकारियाँ आपको कल भी दे दिए है ना, इधर भी टाइम टाइम पे देते रहेंगे। सुबह का टाइम है ना, थोड़ा सा कहीं दूर अलार्म कॉल होगी तो मैं बोलूँगा, सुन नहीं पाऊँगा उन आवाज़ों को, इसलिए। और इसकी आवाज़ इतनी हार्ड है ना, अगर आप सुनसान जंगल में इसकी आवाज़ सुन लोगे आपको फील ही नहीं होगा कि ये एक चिड़िया ऐसे करती। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल इसे हिंदी में बोलते हैं धनेश, और ये चिड़िया में टाइगर है। इसका कलर भी बाघ के जैसा है ना, पर बहुत खूबसूरत बर्ड है। और ढेला जोन में हो सकता है, ढेला जोन में इसका हमें नेस्ट भी मिल सकता है। 3 तरह का हॉर्नबिल होते हैं यहाँ पे। इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल आपने देखा, ग्रे हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। नागालैंड साइड एक फेस्टिवल भी होता है ना हॉर्नबिल करके, सुना होगा आपने। हाँ, गणेश जी के दर्शन हो गए, गजराज के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चे के साथ है, एक मिनट रुकते हैं, थोड़ा जंगल ऑब्जर्व भी कर लो। बहुत सारे हिरनों का भरमार जा रही है, देखो सामने। हाँ, यार सामने बहुत बड़ा हर्ड है। वो भी हटा लेगा क्या? वो भी हर्ड है, डियर का हर्ड है पीछे ना। जो बिल्डिंग थे ना, यही था सरकारी स्कूल का, पूछ रहे थे ना जो आप, अभी ना तोड़ते क्यों, बिल्डिंग तोड़ के क्या मिलता। इसे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, गवर्नमेंट की वो बना दी चौकी जैसी। इधर पे जरा एक जना पीछे से खड़े होके इधर वाले वाटर बॉडी चेक कर लो, यहाँ पे तालाब मिलेगा आपको आगे, दिख रहा है कुछ जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। बोलना ऑन रोड है पंजे ना इसके, अपनी तरफ देखो ना पंजे, इधर देखो नीचे, इधर लगे हैं पंजे। पंजे इधर देखो नीचे, यहाँ पर इधर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। इस साइड है भैया, नीचे का है, नीचे का निकला है यार यहाँ से, नीचे का। Thank you.
उल्टा जा रहा है इधर को छुपा भी सकता है बहुत सारा अलार्म कॉल में तो दम नहीं लग रहा था, बोली तो सही डियर 3-4 बार बोली है, बस यहाँ से अंदर वो बोली है तो बढ़िया है ना जाने के। अब यहाँ से वो अगले नाले पे भी निकल सकता है ना, अगर अब यहाँ से गया तो यहाँ ही नहीं बैठा होगा ना, समझ रहे कि पंजे इधर नहीं है फिर। हाँ, नाले पे निकलने के बाद एक जगह निकलने का और चांस है ना, उधर देख के आते हैं पहले, ठीक है। टाइगर पहले इधर से आया है, फिर ये ऐसे घुसा है, फिर ये ऐसे आया है। उधर से अंदर घुसा है ना, कभी इधर भी पहुंचता हो, समझ रहे हो, इस वाले एरिया में वहाँ से घुसा है ना अंदर, ऐसे ही निकल के इधर से इधर ग्रासलैंड भी क्रॉस करता है, और इधर से कभी वो झिरना वाले पार्ट में भी जाता है, थोड़ा झिरना का खारा गेट वाला एरिया ले लेगा। ओ एलिफेंट का बड़ा हर्ड है उधर, फर्दर यहाँ पे भी रुक के कॉल सुन लेंगे ना, क्योंकि भैया देखो पंजे तो मिल गए हैं, पर पंजों से ये तो पता चलता है टाइगर चला है, ये तो नहीं पता ना कि कंफर्म कहाँ को गया है, अब उसके पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं ना, तब तक हम एलिफेंट को देखते अपना टाइगर की भी कॉल सुन लेंगे, ठीक है। कल वाले नहीं बोलेंगे यार, एक टस्कर तो लग वैसे ही रहा है, और यहाँ डियर भी मुझे नॉर्मल मिल रही है, एक एलिफेंट इधर भी है, मौत चल रही है हाथी के खाने के लिए, ही रोने देख रहा हूँ, बहुत बड़ा हर्ड है स्पॉटेड डियर का।
तो यहीं पंजे में लेंगे। पंजे तो है यार, ऐसे भी आने के हैं, फिर ऐसे मोड़ पे ऐसे भी जाने के, ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी का तालाब है ना उसके सामने। इधर है खाली कॉल हुई यार, अभी तो आए हैं भैया। इधर कहीं हुई, मुझे लगा स्मेल से कर रहे थे कि हवा चल। एक तो बटिया ये है, एक ये भी है, ये सीधे वहीं निकलती है। ऐसा ना, टाइगर रोज नए रास्ते भी नहीं बनाता ना, उन्हीं में चलता है जिसमें वो अक्सर चलता हो। ये पैर के पाँव बड़े सॉफ्ट है ना उसके, तो ना आप टाइगर की रोड भी बोल सकते हो। माहौल और भाप के फिर इधर, ठीक है। सूर्य देवता भी निकल गए हैं, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो प्रभु। इधर तो जो है हथिया नॉर्मल है, तो ग्रासलैंड सर्च कर लेते हैं, फिर धूप पड़ेगी फिर ग्रासलैंड का मतलब नहीं है ना, फिर डेंस में घूम लेंगे। येलो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, कोई यहाँ से मतलब सन के सन भी आएगा साथ में, देखो सन भी साथ में आएगा, पूरा 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 अच्छा, बहुत अच्छा मिलेगा। ये वाली बहुत अच्छा पोज़ दे रही है, फेस भी बाहर की तरफ है ना, लो इसने और अच्छा पोज़ दिया, कैप्चर कर लिया होगा। वो देखो तो अंदर से दिख रही है, एक मिनट है ना। एक बार हिरन बोला कहीं अभी, और वो हमें पता रहती है, ये जो ट्याऊं ट्याऊं कर रहा है ये अलर्ट वाला टाइगर वाला कॉल है, मतलब खतरे को देख के, या टाइगर को देख के होगा या जैकॉल को देख के होगा। दो मिनट सुनेंगे, कॉल कर दी पर ये ना हमने सोचा टाइगर पर, जरूरी नहीं है, इसकी भी कॉल का अलग अलग होता है। अगर एक ही डियर बार बार एक सिंगल कॉल निकाल रहा है और एक ही डियर बोल रहा है तो उसमें डाउट हो सकता है कि जैक कॉल को देख के भी कॉल करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो जैक कॉल मार देता है ना, इनके बच्चे सारी फीमेल्स का ग्रुप है। तो हमने कैमरे लगे हुए, थर्मल कैमरा, एंटी कोचिंग, इलीगली एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए।
नहीं नहीं इतना फ्रेश भी नहीं, मतलब सुबह का समझ रहे हैं ना। इधर निकल गया, भागते रहने का, छुपते रहने का ना। जब उसे लगेगा नहीं गाड़ियाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं, चुपचाप खड़ी रहती है ना, स्पॉटेड डियर का बड़ा हार्ड है। सनलाइट अगेंस्ट पड़ रही तो एक अलग सा व्यू आ रहा है उसका। कैसे हैं दादी? ना यहाँ दादी पंजे अंजे लगे हैं यार, पंजे यहाँ से भी आने के टावर से और पंजे वहाँ से भी हैं। कुछ नहीं इधर, कुछ हाथी हाथी यार एक बार वहाँ देखा, छिरना नाले पे शुरू होते ही वो निकल जाएंगे फिर। यहीं थे, यहाँ से अंदर घुस गए, वो छिरना नाला है जहाँ पे, नाले से पहले इधर ग्रासलैंड में थे वो, डेला में उधर को जा रहे थे वो बेरी की तरफ को, लोगों को हाथी भी नहीं दिखे, समझ रहे हो ना। टाइमिंग का वो है ना, तो हाथी भी निकल जाते हैं अपना। हाथी शाम को भी अच्छे दिख रहे हैं आजकल, मैंने ये चीज़ देखी, सुबह ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि अपना मुझे लग, मैं अपना दिमाग कह रहा हूँ हाथी 4-4:30 बजे से आ जा रहा होगा ग्रासलैंड में, अभी अपना चुप के अंदर निकल जा रहे हैं। धूप हो गई ना, काली काला घाम कहते हैं ऐसे पहाड़ी में। पर इस रोड में साइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। समर में बहुत टाइगर इस रोड पे दिखा, कोई क्रॉस करते हुए ना, रोड चौड़ी है ना इसलिए अच्छा दिख जाता है। टाइगर साइट हुआ है ना अभी अंडरवाली रोड में, अंदर वाली रोड, अंदर मतलब डेंस वाली रोड में, वही वाली कह रहे होगा, बजरी वाली। अरे मत कर अभी, मत कर यार, मत कर अभी, रोड पे ही है, बैठ गया, यहीं को आ रहा है, यहीं को आ रहा है, बैठ गया। भाई ये लेटा है टाइगर, मस्त अपना लेडिया, मस्ती कर रहा, मस्ती भाई, बहुत जबरदस्त साइटिंग हुई है मानसून की। बोलो मत यार भैया प्लीज, ये बैठा टाइगर ये है जिप्सी,
क्या लाइट पड़ रही है, मजा आ गया। बगैर गाड़ी मत हिलाओ, क्या साइटिंग हो गई यार, दिल खुश हो गया। एक्साइटिंग हो गई भाई, रिकॉर्ड कर दिया। हो गया हो गया हो गया हो गया। आज हम सब एक दूसरे के लगे रहे। हाँ, नहीं रोक ले, नहीं रोक ले, नहीं रोक। जबरदस्त साइडिंग हो गई भाई, जबरदस्त। हाई डाउन आया टाइगर, गेस्ट को दिखाओ भाई। मिशन अकम्प्लिश टाइगर, और बोल रहा था देखा। लंगूर बोल रहा था, एक घंटा वेट किया पूरा हमने ना, पर जहाँ से टाइगर घुसा है, समझ रहे हो, ये दो टाइगरों की लग रही है। अच्छा। ये जो टाइगर नीचे से क्रॉस किया है, हो सकता है वो ना हो। अच्छा। ये टाइगर वो हो सकता है जिसके पंजे हमें इधर टावर पे मिले थे। बिल्कुल सही सही, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये टाइगर तो इधर से आया है ना, इसको तो इधर कहीं से निकलना चाहिए। और वो भी हो सकता है क्योंकि बटिया से आया, बोला ना बटिया में बैठा था करके दूसरी गाड़ी वाला, तो जिसके हमें टावर में पंजे नहीं मिले थे, एक तो पहले मिले, जो दूसरे पंजे मिले थे उसका डाउट भी था कि इधर रोड क्रॉस कर सकता है, तो मुझे उसका ज़्यादा हो रहा है अभी। ठीक है, पर यार बरसात में भाई बहुत जबरदस्त साइड, दिल खुश हो गया। वो जो चल के आया ना सामने, वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो नेक्स्ट लेवल की थी। आप तो बोल रहे थे गाड़ी के बगल से ही जाएगा, बगल से ही जाएगा, चले जाता हूँ, अवॉइड करता है ना भैया। पर उसने हमारी भी थोड़ी इज्जत रखी, उसने जो है पूरा मुंह इधर को कर दिया पूरा, और ऊपर से हमारी किस्मत अच्छी कि सनलाइट हमारी तरफ है, नहीं मतलब उसके फेस पे थी, हमारे 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 उसमें थी ना सनलाइट। और देखो कितनी गाड़ियाँ गई वहाँ से भी, एक चीज़ देखी हमने उस रोड से, कितनी गाड़ियों ने क्रॉस किया, और उस गाड़ी को फ्री में दिख गया सामने वाले को। वो जा रहा था झिरना, वहाँ हाथियों ने रास्ता रोक दिया, वो वापस आ गया, उसने चलो यहीं से कट गया, सफारी हो गई पूरी। उसे और झिरना जाके करता क्या, जंगल यहाँ देख लिया, हाथी यहाँ देख लिया, टाइगर यहाँ देख लिया, तो फायदा रहता है। अरे वही हाथी तो है जो हमें मिल रहे थे, नाले में नहीं जा रहे थे उस समय, झिरना के हम नाले पे जा रहे थे उस समय, ये आए उनकी पहली होगी। देखो ना वही है कि की किस्मत में जहाँ लिखना लिखा होगा ना वहीं बनेगा माहौल। तो अच्छा हो हमने ये जगह भी, अगर कोई बंदर एक बार अगर सिग्नल नहीं देता ना, तो थोड़ा हमारा पेशेंस भी टूटने लगता कि यार क्या पता वो उतनी देर हो गई आए ना आए। एक कॉल जो बंदर ने और डियर ने दी ना, फिर थोड़ा प्रूफ हो गया कि वो मोर बोला जैसे, या भाग तो दो तीन बार ही बोला, हाँ कि आ चुका है टाइगर अगल बगल, कभी भी बाहर आ सकता है। अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखी है, एलिफेंट भी अच्छे दिखे हैं, टाइगर बहुत अच्छा दिखा है, बाकी देखते हैं क्या माहौल बनता है। और नोटिस की मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि मंगूस का दिखना शुभ होता है, और जहाँ से टाइगर निकला उसके वहीं पर मंगूस निकला था, थोड़ा ऐसी माइंड में रहा ना, क्योंकि जब मंगूस दिख रहा था पिकॉक भी बोल लेते हैं यार, बाघ दिख सकता है। जेब्रा वाला भी दिखा, जेब्रा बर्ड इंडिकेशन नहीं, जेब्रा बर्ड की इंडिकेशन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मंगूस को दिखना हमारे यहाँ थोड़ा ना ऐसे जंगल में हम लोग शुभ बोल देते हैं कि अब मंगूस दिख गया, हो सकता है आप टाइगर दिख जाए। ज़्यादा दूरी तक मार नहीं करेंगे, क्योंकि सामने से गाड़ी सर्च करती हुई आ ही रही है ना, घूम के फिर रोड वाले पार्ट में ही जाएंगे जहाँ चांस ज़्यादा है। फॉरेस्ट तो सारा घूम ही रहे हो ना दो दिन से,
जंगल सारा सेम है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ से निकला है सुबह टाइगर, ये नाले नाले गया ना अंदर ही अंदर, तभी तो वो गाड़ी को रुकना पड़ गया ना, क्योंकि उन्हें टाइगर दिखा अच्छे से नहीं दिखा। अगर उन्हें टाइगर अच्छे से दिख जाता पहले ही चले जाते। ये यहाँ से आता है ना, शॉप है ना, पंजे भी मिल सकते हैं। वो देखो करें ये नाला है ना, नाले से चलते चलते आते हैं। अभी ये टाइगर भी ना थोड़ा अपना चिल मूड में था, देखा आपने ना, क्योंकि ये जैसा बोल रहे थे, इन्होंने जो टाइगर देखा था वो टाइगर भागने वाला भागते हुए था, ये टाइगर चिल मूड में लग रहा है एकदम। तो मुझे लग रहा है ये टाइगर वो है जिसके पंजे दिखे हैं, मतलब जो हंड्रेड परसेंट अपनी टेरिटरी। हाँ ना, दो बार उसने अपनी टेरिटरी मार्क करी, सैंड मार्क की, स्प्रे करता है ना एक। अब क्या होता है ना, जैसे बारिश पड़ जाती है, बारिश के बाद टाइगर फिर अपनी टेरिटरी मार्क के लिए निकलता है, क्योंकि जो उसकी स्प्रे मतलब सैंड मार्किंग की स्मेल वगैरह सब खत्म हो जाती है ना भाई। इसने जहाँ सैंड मार्किंग की जगह दिखाना, दिखता थोड़ी है भैया, अच्छा दिखता है नहीं। हम सोचे स्मेल ले लेंगे, वो भी कोई मतलब नहीं। इधर जो सर्च मारते हैं, चलो इधर ना नालों फालों पर कहीं एकदम बैठा हो, आराम से सोया हो। हाँ यार बहुत जबरदस्त, वो वहाँ से आया टाइगर, वो वहाँ से लेके यहाँ तक सामने आया गाड़ी के हेड ऑन। दो तीन ही गाड़ियाँ थी हम जो रुके थे, हमें भी मिला एक। कहाँ? ये जो है चौकी पे, ठीका चौकी पे, ठीका चौकी पे सर निकल करके आगे से आया। हाँ जो है ऊपर को ग्रासलैंड की तरफ को, जंगल को उधर को झंडा की तरफ को, मतलब ढेला से चौकी से। पर हम सोच रहे थे यहाँ से निकलेगा, ये टाइगर निकला वहाँ से, पता ये लग रहा है कि ये ग्रासलैंड वाला पंजे ना हो। ये मेल आया है, वहाँ पंजे लगे थे टावर से पीछे बैंड पे, वही मुझे लग रहा है ये वही टाइगर आया गुरु यहाँ पे ना। और यहाँ से जो क्रॉस हुआ जो सती को दिखा वो नहीं आया अभी इधर को, वो तो वो निकल गया उधर, निकल गई फीमेल दिखी होगी ना उन्हें, वो तो हमें मिल गई ना, वो पीछे मिल गई हमें। ये कह रहे हैं पहली पुलिया पे मिली हमें, उसने इधर को टर्न करने के बजाय उधर को टर्न मारा। ये मेल था, मुझे इसका शक है ये जिसके टावर पे पंजे दिख रहे हैं वो बाघ हो सकता है, क्योंकि बटिया से आया ना फायर लाइन से। चलो बढ़िया, अच्छा बन गया तो वही मिल गया, ठीक है दिखना चाहिए। हाँ मतलब साइटिंग हुई है दो तीन जगह, ढेरा चल रहा है ना अभी भैया। आज धूप आई है ना कई दिनों बाद, हम निकल रहे हैं जिसको जहाँ जाना है। और तो कहा नहीं, इस गाड़ी ने भी वही कहा, देखो डाउट है कि जिसके पंजे हमें मिले हैं ना मेल गए वो टाइगर आ गया इधर। चलो देखते हैं अभी भाई, ये सेंट यहाँ कहीं किया था, यहाँ कहीं बैठा था, जमीन पे दिख जाएगा यार, यहाँ कहीं बैठा था वो। मोहन जी बढ़िया, भैया बढ़िया, सब्सक्राइबर हैं अपने। अच्छा मोस्टली मुझे लग रहा सबने देख लिया अब ना, ऐसा है अब चढ़ गई है धूप, अब तुम्हें जो जो भी एनिमल होगा ना, जैसे हम सुबह आ रहे थे तुमने एक चीज़ नोटिस की, हमें कॉमन वाइल्ड लाइफ बहुत दिख रही थी, अब वो सब अंदर चले गए ना, धूप है जैसे बोलते हैं शुरू सुबह का, शुरू का एक दो घंटे, शाम का देर के एक दो घंटे, ये है खेल उसी में। अब इतनी धूप में टाइगर ग्रासलैंड में क्या करने आएगा, गर्मी लगेगी ना। टाइगर तो आ जाएगा ना, जिनको खाएगा वही नहीं आते, फिर किस लिए आएगा, क्या फ़ायदा। चलो अब वॉशरूम की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तीन चार बार थोड़ा देर रुका मैं, फिर एकदम शांत हो गया। 10 मिनट में रुकने के बाद मैं सोचा नहीं बनता माहौल, मैं निकल गया आगे को। टाइगर जो है 25-30 मिनट बाद निकला दोबारा कॉल हुई, पता किसने देखा, फॉरेस्ट वालों ने। वो अकेला फॉरेस्ट वाला बैठा था, बोला चेयर पे, और पीछे से निकल रहा था टाइगर। पेशेंस का खेल है, आज भी पेशेंस अच्छा रखा ना। मैं यहाँ पे वॉशरूम खोलोगे गिरना गेट पे, फिर बैक चलेंगे ढेला, ठीक है। दो चार मिनट इधर कॉल ऑब्जर्व करेंगे, अभी घूमेंगे कम क्योंकि धूप है ना, अलार्म कॉल होगी तो तब जाएंगे। नहीं,
कुछ है किसी और चीज के। टाइगर के पंजे अरे लंगूर के हैं पंजे हैं। हाँ हाँ ये हैवी हैं। बड़ी को चला करो इधर भी मूवमेंट है पंजे है ना इधर भी भैया। हाँ हाँ ये कौन सा जानवर आया भाई। ये भी फॉरेस्ट की एंटी पोचिंग चौकी आ गई भैया। ऐसी जगह जगह पे है ना नीचे यूपी वाला एरिया है ना इसलिए बहुत ज़्यादा चौकियाँ मिलेंगी। सफारी उत्तराखंड में ही होगी ना यूपी में तो जा ही नहीं सकता। नहीं नहीं ज़ेब्रा नहीं जो स्टार्टिंग देखी थी उड़ती हुई पीले रंग की जो टाइगर है उड़ गई। ये इसकी अलग है देखो है वैसी ना पर ये ओरिएंटल पाइड है। इसकी आवाज़ ऐसी होती और वो कर रहा था हाँ हाँ। एक होता ग्रे वो अलग है ग्रे ग्रे कलर का होता पर ये ग्रेट और पाइड एक सी लगती है। टेरिटरी तो यहाँ पे 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर है तो उस पर पूरा मूव कर सकता है। यहाँ तो पूरा रोड बाय रोड चला है टाइगर ही इधर से भी दिख रहा है। टाइगर अपनी टेरिटरी 25 से 30 किलोमीटर तक बना सकता है और डिपेंड करता है जंगल में फूड कितना है। फूड अच्छा है तो टेरिटरी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे ना। इसका फर्नीचर लेने आप जाओगे बाजार में बड़ा महंगा मिलेगा। बट अजीब विडम्बना है हम इंसानों के बाजार की वहाँ पे वो लकड़ी सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है इसका नेट जिसका जंगल में बिल्कुल उपयोग नहीं है समझ रहे कोई यूज़ नहीं और हेल्पफुल भी नहीं है। हाँ कहीं ग्रंथ में थोड़ी लिखा है इसका फर्नीचर बनना चाहिए किसी और का बना सकते हो ना। अब ये थोड़ी ये कन्फर्म हाँ इसी का बनेगा साहब सब माइंड ही ऐसा वो कर दिया है ना। लोगों को पता थोड़ी कि टीक का तो आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो पर टीक जहाँ पे हो रहा है वहाँ कितना नुकसान दे रहा है। ऑल उत्तराखंड से पहले हटाने के ऑर्डर इसी को आए हैं टीक वुड को। ये लोकल भी ना 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 ये तो लगाया हुआ है तो ये कहाँ का ये ऐसा कहाँ का नहीं ये प्लांट क्या हुआ फर्नीचर वाला हुआ ना प्लांट अराउंड मान लिया। तो भैया आ गया एग्जिट पॉइंट आपका कैसी रही सफारी भैया आपकी। बढ़िया जबरदस्त टाइगर साइडिंग हो गई भैया आज 5 मिनट तक टाइगर सामने से 2-2.5 मिनट तक तो चलता हुआ है। बहुत बढ़िया तो यारों बहुत जबरदस्त जर्नी रही है आज की भी टाइगर जबरदस्त दिखा आज। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।